देश भर में कांग्रेस पार्टी आज अपना 135वां स्थापना दिवस मना रही है और इसी कड़ी में हिमाचल में भी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 135वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिमला की है जहां पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बचाओ संविधान बचाओ फ्लैग मार्च का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर संविधान के खिलाफ खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं दूसरी तस्वीर नाहन की है जहां पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सोलंकी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दिवस को हम जो है संविधान बचाओ दिवस के रूप में भी मना रहे कि आज जिस तरह से देश के संविधान के साथ खेलने का प्रयास हो रहा है ये निंदनीय है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है वो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में लगी है। हमारा संविधान का जो मूलभूत सिद्धांत है जहां सबको समान अधिकार दिए गए हैं आज ये सरकार जो है संविधान की हमारी जो मूलभूत प्रस्तावना है उससे खेलने का प्रयास कर रही है। भाई भी हैं और उस इस भाई के लिए कांग्रेस ने देश के आज़ादी के दिन का आगाज़ किया और कोई बड़ी शांति के साथ प्रेम के साथ और अहिंसा के साथ कांग्रेस ने